बच्चों, मैं सुषमा कुमारी, गांधी प्लस टू उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, अभी हम लोग वीडियो में व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसी सिलसिले में आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं अव्यय। बच्चों, हम लोग व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक देखे, जिसमें जो हम लोग को क्लास 9th या 8th में 10th में पढ़ना है, विशेषकर 10th में जो पढ़ना है, उसमें हम लोग देखे वाच्य देखे और वाक्य भी देखे। उसी में आज हम लोग देखेंगे अव्यय शब्द। बच्चों, अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहते हैं, अव्यय। बच्चों, हम लोग ऐसी जो सरल भाषा में व्यय, व्यय का अर्थ क्या होता है? व्यय हम लोग देखते हैं, व्यय मतलब होता है खर्च करना। कि कहते हैं, इतना पैसा आया, आमदनी इतनी है, व्यय इतना है, या आमदनी के अनुसार व्यय करना चाहिए। तो व्यय का शाब्दिक अर्थ होता है खर्च करना। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो, और व्यय का अर्थ है खर्च करना, जो व्यय हो गया, जिसको हम बदल दिए, खर्च कर दिए। लेकिन इसमें हम लोग को पढ़ना है अव्यय। इसमें व्यय में हम क्या लगा दिए? अव्यय, यानी कि हम इसको खर्च नहीं कर सकते हैं। खर्च करने का मतलब क्या है? हमारे पास पैसा है, हम पैसा मार्केट में लेकर के गए, पैसा से हम कुछ भी खरीद के ला सकते हैं, उसको व्यय कर सकते हैं, यानी कि वो मेरा परिवर्तन होगा। पैसा दे करके हम किताब भी खरीद सकते हैं, खाने का भी चीज़ खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, वो व्यय है। उसको हम परिवर्तन, उस पैसे को हम किसी भी चीज़ में हम परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात हम खरीद सकते हैं। लेकिन अव्यय, जो व्यय ही नहीं होगा, जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो तो हमारा मूल रूप में ही हमारे पास रहेगा, वो वैसा ही हमारे पास रहेगा। तो इसमें पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि अव्यय पहले है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, जिसमें है विकारी और अविकारी। तो बच्चों, हम लोग को विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन होता है, विकार, विकार मतलब जाने जिसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, बदलाव उसमें आ रहा है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है अविकारी शब्द। तो इसमें है, देखो, विकारी शब्द में क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया तथा क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन कौन कहलाते हैं विकारी शब्द? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं विकारी शब्द? क्योंकि हमें इनके वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं। जैसे संज्ञा में है लड़का है, लड़की है, गाय है, गायें हैं, बैल है, भैंस है, पहाड़ है, मतलब उसका हम अलग अलग तरह से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं और हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। और सर्वनाम में तुम, आप, वे, चाहे लड़का है, स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार करते हैं, पुल्लिंग है तो हम उसके अनुसार करते हैं। और विशेषण भी वही हुआ कि जाता है, जाती है, तेज, धीरे। तो इसमें है क्रिया, करता है, करती है, ये शब्द है कि विभिन्न अलग अलग वो रूप प्रयुक्त होता है। लेकिन अविकारी शब्द में, अविकारी शब्द इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय हम बताएं, अव्यय, व्यय मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। इनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के व्याकरणिक प्रभाव से स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें देखो बच्चों, विकारी शब्द में क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया के अनुसार परिवर्तन होता है। लेकिन अविकारी शब्द में क्या होता है? इनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष और काल के व्याकरणिक प्रभाव के से स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग जाता है, जाती है, वचन एक वचन या बहुवचन है, पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जो हम लोग पढ़े हैं, काल भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल जो भी है आदि, व्याकरणिक यानी व्याकरण के नियम के अनुसार। जैसे कि काल में क्या है? जाता है, जा रहा है, जाएगा। लिंग में जाता है, जाती है, वचन में जाएगा, जाएंगे। पुरुष में है ना कि मैं या फिर वह। काल तो बता ही दिए कि आदि व्याकरणिक प्रभाव से स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ, यहाँ अगर हम कहते हैं काल में कल
भूतकाल में भी यहाँ तो यही होगा, भविष्य काल में भी यहाँ होगा और वर्तमान काल में यहाँ ही होगा। आज, आज का प्रयोग करेंगे तो भी है, धीरे धीरे या तेज, कब और इसलिए, क्यों तेज, सॉरी तेज दो बार लिखा गया है, रात दिन शीघ्र अथवा इत्यादि, इन सब का हम बार बार बाद में हम लोग उदाहरण के द्वारा देखेंगे किस तरह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बच्चों परिभाषा देखते हैं किसकी, अविकारी शब्द की। जिन शब्दों के मूल रूप में लिंग, वचन, पुरुष या काल के कारण विकार अथवा परिवर्तन नहीं आता वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय या अविकारी एक ही को कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। बच्चों अव्यय का शाब्दिक अर्थ यानी कि उसको ऐसे हम सिंपल देखते हैं तो अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय न हो, जिसको हम खर्च नहीं कर सकते, जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह से है कि एक बार फिर से हम लोग परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, लिंग हम लोग जानते हैं स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन एक वचन, बहुवचन, पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, काल भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल, क्या के कारण विकार अथवा परिवर्तन नहीं आता वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। और हम लोग पीछे देखते हैं अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो। बच्चों अब हम लोग देखते हैं अव्यय अथवा अविकारी शब्द पांच प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय अथवा अविकारी शब्द जो है अव्यय या फिर अविकारी कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं? पांच, पांच अलग अलग भेद होते हैं। उसमें है पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। बच्चों इसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि किस तरह से उसमें हम परिवर्तन करते हैं और कैसे कैसे हम उसको प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या बता रहे हैं? हम चल रहे हैं धीरे धीरे, लिख रहे हैं धीरे धीरे, खा रहे हैं धीरे धीरे। क्रिया मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया मतलब करना, जो भी काम हो रहा है उसको हम लोग क्रिया कहते हैं, कि कोई भी काम का होना या करना वो क्रिया कहलाता है। तो इसमें है कि जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बनाए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी, यहाँ, है ना। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण के दो भेद हैं। हम लोग देखें अव्यय या अविकारी के पांच भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि और निपात। अब हम लोग इसके अलग अलग देखते हैं, क्रिया विशेषण के भी दो भेद हैं। हम लोग क्रिया विशेषण के दो भेद हैं, रूप अथवा रचना के आधार पर और एक है अर्थ के आधार पर, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं रूप अथवा रचना के आधार पर फिर इसके कितने उपभेद किए गए हैं, तो तीन किए गए हैं। पहला है मूल। बच्चों मूल हम लोग जानते हैं, मूल जो वही रहता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें हम या तो उपसर्ग प्रत्यय या बहुत तरह से कुछ लगा करके हम लोग उसको क्रिया बनाते हैं और उसमें हम लोग उसके नया शब्द बनाते हैं। तो मूल में है आज। आज अगर बच्चों हम लोग कोई भी वाक्य में आज का प्रयोग करते हैं तो आज ही लिखते हैं, आज हो नहीं लिखते हैं। आज, कल, अच्छा, बुरा, अचानक, दूर, ठीक, ये है मूल। जिसमें कहते हैं इसको जो किसी अन्य शब्द अथवा प्रत्यय के योग से, योग के बिना ही प्रयोग में आते हैं वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, कल, अच्छा, बुरा, अचानक, दूर, ठीक। और उसके बाद है यौगिक क्रिया विशेषण, ये है यौगिक। यौगिक मतलब बच्चों, योग मतलब होता है जोड़, कि हम कोई भी जो मूल जो शब्द है उसमें कोई शब्द जोड़ करके हम उसका क्रिया विशेषण बनाते हैं। इसमें है से जुड़ा, मन से, यहाँ तक, वहाँ पर। तो इसमें दो जुटा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, तक जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसकी भी परिभाषा एक नज़र में देख लेते हैं बच्चों। यौगिक क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर या समास द्वारा बनते हैं वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिसमें कि हम लोग देखें मन से, यहाँ तक, वहाँ पर,
उसके बाद देखते हैं संयुक्त। संयुक्त में देखते हैं ये अनेक प्रकार से बनते हैं, जैसे हाथों हाथ, घर पर, उसको अलग अलग से है कि किस तरह से है। संयुक्त में संज्ञा की द्विरुक्ति से है, हाथों हाथ, घर पर, और दो भिन्न संज्ञाओं से है, रात दिन, सांस सवेरे, फिर दो अलग अलग क्रिया विशेषण से है कि धीरे धीरे, तेज तेज। फिर देखते हैं हम लोग जब तक, जहाँ तहाँ, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, और उसके बाद देखते हैं क्रिया विशेषणों के बीच न आने से। क्रिया विशेषण जैसे कभी कभी है, इसके बीच में आया न, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, और फिर दो शब्दों का अलग अलग प्रयोग करके, जैसे छटपट, धड़ाधड़, और ये है अव्यय शब्दों से प्रतिपल यथा स्थान। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्रिया विशेषण को देखे कि पहले तो हम लोग देखे कि अव्यय क्या है, या अव्यय को ही अभिकारी शब्द करते हैं। बच्चों अगर पूछा जाए कि अव्यय शब्द क्या है, या फिर पूछा जाए कि विकारी शब्द अभिकारी शब्द क्या है, तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही है। और इसमें देखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी को हम, विकारी को हम लोग देखें जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो है विकारी शब्द है, क्योंकि हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, संज्ञा के अनुसार, सर्वनाम के अनुसार, विशेषण क्या, क्रिया के अनुसार हम इसके रूप में परिवर्तन करते हैं कि वो क्या है, और उसके अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। अविकारी शब्द में बच्चों देखें हम लोग, इसमें लिंग वचन पुरुष या काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका परिभाषा हम लोग देख लिए हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन पुरुष या काल के कारण विकार अथवा परिवर्तन न आता वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ बच्चों हम लोग देखिए, जो व्यय न हो, यानी जो खर्च न हो, जो परिवर्तन न हो। फिर हम लोग देखिए अव्यय अथवा अविकारी का पाँच भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। फिर हम लोग देखें कि किस तरह से क्रिया विशेषण का भी है, उसको हम किस तरह से करते हैं। बच्चों अब अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रिया विशेषण के इसमें देखें रूप अथवा रचना के आधार पर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। धन्यवाद।